हूँ सुमन, देसी चूल्हा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही कचौड़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लगभग 300 ग्राम मैदा, 4 बड़े उबले हुए आलू जो मैश किए हुए हैं, चने की दाल है जो भिगो कर हमने रखे थे, फिर उसके बाद उसे हम मिक्सी में पीस लिए और उसे 1-2 चम्मच पानी डालकर पीसा गया है, बारीक कटे हुए प्याज, पीसा हुआ अदरक, हरी मिर्च कटी हुई, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच मंगरैल, थोड़े से काजू और किशमिश कटे हुए, बारीक कटी हरी धनिया, खट्टी मीठी इमली की चटनी और थोड़ी हरी चटनी और थोड़े तेल मोयन के लिए और 1 कटोरी फेटी हुई दही और कुछ मसाले। सबसे पहले हम कचौड़ी के लिए मैदा गूंथते हैं। इसके लिए हमें चाहिए थोड़े से 4 चम्मच तेल मोयन के लिए, 1 अब इसमें गुनगुने पानी से इसे थोड़ा सख्त आटा गूंथते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। पराठे से थोड़ा टाइट और पूड़ी से थोड़ा मुलायम आटा गूंथेंगे मैदा। नमक मैं इसमें भूल गई थी, तो थोड़ा सा नमक भी ऐड करना है इसमें, आप पहले ही डाल दें। ये हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। ये ऐसे ही होगा, लगभग इतना मुलायम होना चाहिए। अब इसे करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देते हैं, कवर करके। इसे हम 10 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। आइए तब तक अपना आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें करीब 2 चम्मच के लगभग हम तेल डाल देते हैं, फिर थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देते हैं कटी हुई, इसमें हमने थोड़ा अजवाइन डाल दिया आधी छोटी चम्मच, थोड़ा मंगरैल डाल दिए, मंगरैल यानी कलौजी, इसको ऐसे चलाते हुए थोड़ा अदरक वाला पेस्ट डालेंगे, मसाले जाएंगे, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, अब इसमें हम आलूओं को, उबले हुए मैश किए हुए आलू को डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पे आलू को भूनते हैं। अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं इसमें, थोड़ी कटी हुई धनिया पत्ती डाल देते हैं, इसको मिलाते हैं। अमचूर पाउडर भी डाल दीजिए, इसको 1 मिनट तक और भूनेंगे। ये हमारा आलू का मसाला रेडी हो गया है।
फिर से पैन में हम तेल डालते हैं करीब 2 चम्मच के लगभग। हमने उसमें 2 चम्मच तेल डाले हैं। तेल डालने के बाद इसमें हम थोड़ी सी सौंफ डालेंगे, 1 चुटकी हींग डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, बहुत थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। इसे हम भून लेते हैं थोड़ा सा। अब इसमें हम जो चना की दाल हमने पीसा हुआ था वो डालेंगे। चने की दाल को भी हमें भूनना है। हम स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं, थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल देते हैं। डालकर फिर धीमे आंच पे इसे हम भूनते हैं। देखिए चना दाल हमारी सूख गई है, ये भी हमारा लघु मसाला भून के चना दाल वाला मसाला भून के तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल कर ठंडा कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हो गया है हमारा चने का मसाला बनकर रेडी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। हमारा आटा भी सेट हो चुका है। एक बार इसे हम फिर से मसल लेते हैं, चिकना कर लेते हैं बढ़िया से। मीडियम साइज की लोइयां तोड़ लेते हैं। इतनी बड़ी डबल रोटी जितनी बड़ी एक लोई लेकर हम ऐसे ऐसे इसकी करके कटोरी बनाते हैं पतली। इसमें हम पहले थोड़ी सी चना की दाल डालते हैं, चने की दाल का मसाला डालते हैं लगभग 1 छोटे चम्मच। उसके बाद इसमें थोड़ा सा काजू और किशमिश डालते हैं कटे हुए। उसके बाद आलू वाला मसाला डालते हैं, डाल के हम इसको कवर कर देते हैं और ऐसे बंद करके इसका पेड़ा तैयार कर लेते हैं। पहले चने की दाल रखते हैं, फिर काजू किशमिश रखते हैं, फिर उसके बाद आलू वाला मसाला डालते हैं, फिर उसे हम बंद करते हैं। बंद करते समय नीचे पतला हो जाएगा इसलिए हमें नीचे की लेयर मोटी ही रखनी पड़ती है थोड़ी सी। इसे हम बहुत हल्के हल्के हाथ से बेल लेते हैं, छोटा छोटा, बिल्कुल बहुत बड़ा नहीं करेंगे नहीं तो फटने लगेंगी हमारी कचौड़ियाँ। बस ऐसे ही, बस बिल्कुल हल्के हाथ से, ज़्यादा दबाव मत डालें। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है, हमारा तेल लगभग गर्म हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे कि कैसा हो रहा है। अभी देखिए हल्का हल्का इसमें बुलबुला निकल रहा है,
मेथी के तेल इतना ही गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ तेल गर्म होना नहीं चाहिए। और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हम इसमें हम कचौड़ियाँ डाल देंगे। ये धीमे धीमे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम तलेंगे। अभी इसे हम बिल्कुल छुएंगे नहीं, अभी थोड़ी देर बाद इसे हम पलट देंगे। देखिए हमारी कचौड़ियाँ सारी बनके तैयार हो गई हैं। यही कलर आना चाहिए कचौड़ियों को पूरे के लिए। आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा थोड़ा कट कर देते हैं। ये हम पिज़्ज़ा कटर से कट कर रहे हैं, पर अगर आपके पास ना हो तो आप चाकू से भी, चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डालेंगे थोड़ी हरी चटनी। हरी चटनी मैंने धनिया और टमाटर की बनाई है। देखिए हरी चटनी की पूरी अच्छी सी लेयर लगा दी है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे फेंटी हुई दही, दही की लेयर लगाएंगे पूरी। दही की पूरी अच्छी सी दही की लेयर लग गई है। अब इसमें हम डालेंगे इमली की चटनी, इमली और गुड़ की चटनी जो हमने बना के रखी है। चटनी की रेसिपी आप मेरे अगले वीडियो में देखें। तो काला नमक का डालते हैं, थोड़ा जीरा पाउडर डालते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं। लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, प्याज डाल देते हैं, बारीक कटी हुई प्याज है। प्याज आप ना खाएं तो इसके भी कर सकते हैं, मूली डाल सकते हैं इसके बदले घिसी हुई। थोड़ी धनिया की पत्ती डालते हैं, और थोड़ी सी भुजिया नमकीन या फिर सेव बारीक जो भी हो आपके पास वो डाल सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे अपने घर में जरूर बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।